काफी पुराना कुआं है यहाँ पे। गाइज वेलकम बैक ऑन माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, सुबह सुबह पहनी है मैंने साड़ी, क्योंकि हम जा रहे हैं दादाजी के दर्शन के। जो हमारे गुरुजी हैं उनकी समाधि पे जा रहे हैं। वो कहाँ रहते थे पहले, उनका जो समाधि का स्थान है वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो हर साल ही हम दिवाली पे जाते हैं, और अगर हम यहाँ से जल्दी निकल रहे होते हैं तो हम छोटी दिवाली को दर्शन करके आते हैं। और अभी इस बार हमारा लंबा स्टे था तो हमने सोचा दिवाली के बाद जाएंगे, तो आज जाएंगे वहाँ पे दीपक जला के दर्शन करके आएंगे और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो वो जो एरिया है वो बरेला जमुनिया एरिया है, जो कि जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर है। तो चलिए साथ में चलते हैं, और बहुत ही अच्छा है, मन को शांति मिलती है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में से ही मनोकामना मांगेंगे तो सच में वो ज़रूर पूरी होगी। पूरे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से आप वहाँ पे अपनी इच्छा को बोलना, वो ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको अंदर से प्रॉपर दर्शन कराऊंगी। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, हमारे मंदिर में रखी है। आपको एक बार दर्शन यहीं पे घर पे करा देती हूँ और फिर आपको उनके स्थान पे लेके चलेंगे। तो ये हैं हमारे गुरुजी, और इनका नाम आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो हम इनको दादाजी बोलते हैं। तो चलिए इनकी समाधि पे हम चलेंगे। बड़े मंदिर पे पहुंच चुके हैं और हम विद फैमिली आए हैं दीपक जलाने यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी सारा काम यहाँ पे अभी हुआ है। तो चलिए अंदर दर्शन कराते हैं। ओम श्री श्री देवा विष्णु सदा शिव देव गुरुदेवा बेटा ठंडा है, मम्मा गोदी आ जा, आ जा। इसकी तबीयत खराब हो रही है, क्या करेंगे? आ जा, ठंडा हो रहा है बेटा, पैर में ठंड लगेगी, आ जा मम्मा गोदी में बैठ जाना, पापा गोदी बैठ जाना, नहीं तो बुखार है इसको, बुखार बुखार। हाँ एकदम नया सा लुक आ गया ना, अंदर का तो पहले ही अच्छा था, पेंट कराए ना बाहर से शायद गोल्डन वाला। तुझे धोखा है शिवांश,
तो यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ पे दादाजी कीर्तन मंडली में बैठते थे और वहाँ पे भगवान का कीर्तन करते थे। तो ये फ्रंट डोर है और अंदर जाएंगे, और ये जो पूरा एरिया है वो ऐसे ही है जैसे उनके सामने था, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल अंदर से एज इट इज रखा हुआ है। अभी आप अंदर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। काउ के बेबी इसको काफ कहते हैं ना, पत्थर में लगे देखना। बोरी देख छोटी छोटी, इसी पे ही तो है, पहले एक बार देखे थे ना। और चलिए अंदर मंदिर में आपको लेके चलते हैं, और देखिए नीचे अभी जो फर्श है वो अभी पक्का नहीं किया हुआ है। क्या बेटा? के सामने जो लिपाई होती थी ना वो आज भी उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज है। ये चीज रहते हैं इतने दिन भर और हरदी वाली पे हमें पेंट करते हैं, तो इसी वजह से बहुत ऐसा फीलिंग आ रही है। नीचे से फर्श वगैरह सब कुछ ऐसे ही, कोई भी डिजाइन तक चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। दर्शन कर लीजिए। अब ये है अंदर जहाँ पे वो, और ये वो जगह है जहाँ पे वो निवास करते थे, आराम करते थे, दिन में सबसे मिलते थे। तो ये पूरा एरिया अभी ऐसा ही है, आप ऊपर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे भी फर्श वगैरह कुछ भी नहीं डलवाया, जो पहले था वो अभी भी वैसा ही है। और यहाँ पे एक फैमिली रहती है जो यहाँ सेवा करती हैं, तो माई राम उनको बोला जाता है। ये एक यहाँ पे थे और एक आपने अभी पीछे देखी होगी मंदिर में जो हमारा चढ़ावा चढ़ा रही थी, और बैक साइड में कुछ इस तरह से खेत हैं और सामने आपको कुआं दिख रहा होगा। यहाँ से हम करी पत्ता लेके जाएंगे फ्रेश फ्रेश तोड़ के। तो खुशबू भी खूब आ रही है। चप्पल पहनी हो आप? मम्मी वहाँ छोटे वाले हैं वो निकाल रहे, बजरी थी ना, पैर नहीं जा रहा ये। हाँ ले ली थोड़ी सी। तो देखिए कितना पुराना और बहुत बड़ा सा कुआं है, और इसमें पानी बहुत ऊपर ही आपको दिख रहा होगा। तो बाल्टी भी है, ये डेली यूज़ में इसका पानी निकालते होंगे आई थिंक। ये रखी बाल्टी, और दूर तक आपको यहाँ ना खेत दिख जाएंगे। सारी चीज़ों के पेड़ लगे हैं, मन तो करता है क्या क्या चीज़ें तोड़ ली जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ बैक साइड का लुक है, और बहुत अच्छी सी ग्रीनरी होती है ना तो अच्छा लगता है। फिलहाल तो धूप आ गई है। तो जैसे ही हम बाहर निकले, सामने हमको दिख गया तालाब, और तालाब में बहुत सारे सिंघाड़े लगे हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कहीं से मिल जाएं, क्योंकि मुझे सिंघाड़े बहुत पसंद हैं। तो मम्मी देख रही हैं, किसी को ढूंढ रही हैं, और इसीलिए कार रुकी हुई है। तो सिंघाड़े हमने ले लिए हैं, और जिन्होंने दिए हैं वो भैया यहाँ पे जा रहे हैं, ये रहे, और काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने एक बार में ही हमें सिंघाड़े निकलवा के दे दिए। तो चलिए घर चलते हैं। यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स मैं अपलोड करती हूँ, प्लस उनके साथ मैं होम डेकोर से रिलेटेड चीजें भी डालती हूँ। सो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अगर इससे की टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। सो सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। सो गाइज घर आ गए हैं हम, और बहुत सारे हम सिंघाड़े लेके आए हैं। किस किस को सिंघाड़े पसंद है ज़रूर लिखना कमेंट में, मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं नीचे और उनको पानी में डालेंगे। एक्चुअली वो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो डायरेक्ट वहीं से निकलवा के लाए थे हम। तो चलिए बाल्टी में डाल देती हूँ।